यस गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं। खुश हो तुम तो ना? हाँ चलो, हमने ना हम रिपोजिशन के क्वेश्चन किए थे। हमने कल हमने कंप्लीट रिपोजिशन का क्वेश्चन किया था, ठीक है। आज वही क्वेश्चन हम करेंगे पार्शियल रिपोजिशन से, ठीक है। मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी पार्शियल रिपोजिशन की, ठीक है। सुपर मोटर वाला क्वेश्चन नंबर 8 था। यस, स्टार्ट कर सकते हैं वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ। वैसे मैंने कल पढ़ा दिया था, बस इसलिए एक बार दोबारा आज नई क्लास स्टार्ट करें, नया क्वेश्चन नई बार पढ़ लेते हैं। तो वो बोलता है कि एक्स लिमिटेड परचेज्ड 3 मिल्क वैन्स फ्रॉम सुपर मोटर्स कॉस्टिंग 75,000। यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ना, दोबारा कॉस्टिंग वर्ड है, 75,000 है। कॉस्टिंग का मतलब दिस इज योर कैश प्राइस। एक का कैश प्राइस है, इंटू 3 कर देंगे, 225,000 हायर परचेस पे खरीदा है। कैसे पेमेंट करनी है? 45,000 रुपए की डाउन पेमेंट करनी है, रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%। सिंपल, एक्स लिमिटेड डेप्रिसिएशन डालता है कितने पे? 20% पे। और कैसे? डिमिनिशिंग बैलेंस, WDB मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। इट पेड द इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है, सेकंड वाली पे ही नहीं की है। जब सेकंड वाली की लास्ट डेट से हम एंट्री करके चलेंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि लास्ट डे तक वो वेट करता है हायर वेंडर की पेमेंट आ जाए, अगर नहीं आती तो वो रिपोजेस कर लेता है। तो सुपर मोटर्स एग्रीड टू लीव 1 मिल्क वैन विद द परचेजर एंड एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 मिल्क वैन अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। वो बोला जितना अमाउंट ड्यू था ना, उसमें से उसने क्या किया, दो तो उसने वैन को रिपोजेस कर लिया। अब बाकी पैसा मैंने क्या बताया था, जो बाकी बचा पैसा होगा हायर वेंडर उससे वसूल लेगा। लाइबिलिटी खत्म कर दिया ना उसे। अब क्वेश्चन में कुछ और लिखा नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि सारी की सारी लाइबिलिटी खत्म करनी है और वो पैसा उसे वसूल लेगा। अब आगे पढ़ते हैं। द मिल्क वैन्स वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली। ये कौन सी वैल्यू है? म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू। इस वैल्यू पे उसने रिपोजेस किया है, तो मतलब इतने से उसकी लाइबिलिटी कम होगी, हायर वेंडर की लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। तो ठीक है, 30% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन WDV बेसिस। एक्स लिमिटेड सेटल द सेलर ड्यूज आफ्टर 3 मंथ्स। वो बोल रहा है कि उसने उसके जो बाकी बचा पैसा था उसको सेटल कर दिया 3 महीने बाद, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब चलते हैं, मैं आपको वर्किंग नोट करवा रहा हूं। पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू। म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू, दो वैन उसने लिया है, एक वैन की कॉस्ट कितनी है? 75,000। कॉस्ट ऑफ टू वैन्स, कॉस्ट बोल दूं या सो कैश प्राइस बोल दूं, 75 × 2 1,50,000, ठीक है। इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाऊं, 20% या 30%? 30% ऑफ एग्रीड वैल्यू, ठीक है। तो 30% लगेगा डेप्रिसिएशन और वो WDV बेसिस पे है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन 2 साल का, 1 साल का लगाऊं? 2 साल का। क्यों? पहले साल में तो मैंने पे ही कर दिया इंस्टॉलमेंट्स और 1 साल वेट किया था, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, तो 1,50,000 का 20%, 30,000, सॉरी 30%, पैंतालीस हजार बचा, 1,05,000। अगेन डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 30%, 30% कितना हुआ, 10,500, 31,500, 31,500 बचा कितना, 500, सॉरी 75,000। दिस इज माई म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू। इस वैल्यू पे मैं उसको एसेट को लेके जाऊंगा, मतलब एसेट को रिपोजेस करेगा वो हायर वेंडर। तो ये आपका हो गया वर्किंग नोट 1। इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ बोला हुआ है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है और आपको रेलेवेंट अकाउंट्स बनाने हैं। तो देखो, पहले साल की जर्नल एंट्री लास्ट कल वाले क्वेश्चन की तरह सेम चलेगी। पहली जर्नल एंट्री क्या करूं,
ईयर जीरो में मिल्क वैन, टू सुपर मोटर्स एसेट मैंने खरीद ली उससे या हायर परचेज पे ले ली, 2,25,000, 75,000 कैश प्राइस एक का था और तीन का कैश प्राइस हो गया 2,25,000 मिल्क वैन। फिर मैंने क्या किया, उसे डाउन पेमेंट कर दी, तो सुपर मोटर्स टू बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट 45,000 की। और क्या किया मैंने इस टाइम पे, और कुछ किया है? नहीं, और कुछ नहीं है। और वो बोल रहा है बाकी बचा हुआ पैसा 1,80,000 रुपये जो बचा हुआ है उसको मैंने तीन टुकड़ों में दिया है। तो कैसे दिया है मैंने, 1,80,000 डिवाइड बाई 3, 60,000 आया, 60,000 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मैंने कल निकाल दिया था, उसी को यूज कर लूं। पिछली क्लास में मैंने इंटरेस्ट निकाला था, मैं उसी को यूज करके चल रहा हूं यहां पे। तो मेरा क्या आता है ईयर वन में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 16,200। इंटरेस्ट कैसे निकाला था आपने, रीपेमेंट शेड्यूल से? हाँ जी, इंटरेस्ट कैसे निकाला था? क्वेश्चन मुझे सोल्व नहीं किया वो तूने, कैसे निकाला इंटरेस्ट? बैक कैलकुलेशन से? अच्छा मुझे बता, बैक कैलकुलेशन से इंटरेस्ट निकल सकता है इसका? क्वेश्चन पे आ जाओ, वापस क्वेश्चन पे आओ। बैक कैलकुलेशन से इंटरेस्ट निकल सकता है? नहीं निकल सकता, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया हुआ, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। ठीक है, एक बार एक काम करें। हाँ जी, क्वेश्चन वन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या क्या मुझे गिवन है, मुझे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट गिवन है 70,000 डाउन पेमेंट, 53,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 49 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, 55 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। इंस्टॉलमेंट के अमाउंट गिवन है मुझे, यस। और मुझे यहां से इंटरेस्ट भी गिवन है, कैश प्राइस गिवन नहीं है। तो मैं क्या करता था इस क्वेश्चन में, बैक कैलकुलेशन करता था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में तो मुझे क्या क्या गिवन था, मुझे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट गिवन था, मुझे इंटरेस्ट पता था, अगेन बैक कैलकुलेशन। अगर यहीं पे एनुटी की बात आती है तो मैं एनुटी से कर दूंगा, मैं बैक कैलकुलेशन वाला लेंदी प्रोसेस अडॉप्ट ही नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे गिवन है, मुझे हायर परचेज प्राइस भी गिवन है 90,000 रुपीज का, पेएबल बाय थ्री इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो मुझे इंस्टॉलमेंट भी पता है, 30,000-30,000 रुपये की तीन इंस्टॉलमेंट जा रही है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एनुटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एनुटी टेबल यूज करके, मतलब एनुटी की वैल्यू यूज करके मैं काम कर लूंगा अपना। सिंपल था यहाँ पे, क्या करते थे आप, किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? नाइन्टी थाउजेंड को, वेरी गुड। एनुटी क्या सिखाया था, 90,000 तो टोटल हायर परचेज प्राइस है, इसको तीन इंस्टॉलमेंट पे बांटना, तीन इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है वो 30,000-30,000 की, 2.723 करके हमारा कैश प्राइस निकल के आ जाएगा। मैंने बताया था कि 1 रुपया एनुटी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो ये 30 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2.723 से आपका कैश प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया था आप लोगों ने, कैश प्राइस गिवन है, डाउन पेमेंट गिवन है, फाइव एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 15,400 गिवन है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। निकालना क्या था, टोटल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट तो सिंपल निकल जाएगा, हायर परचेज प्राइस माइनस योर कैश प्राइस, तो टोटल इंटरेस्ट तो निकल जाएगा। अब वो बता रहा था कि बताओ हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, वो निकालना पड़ेगा। कैसे, डायरेक्ट निकल जाएगा रीपेमेंट शेड्यूल बना के, डायरेक्ट मैं रीपेमेंट शेड्यूल बना के निकाल सकता हूँ वो तो, क्योंकि कैश प्राइस पे इंटरेस्ट लगाता जाऊँ और पेमेंट करता जाऊँ मैं इंस्टॉलमेंट्स की। तो रीपेमेंट शेड्यूल से मेरा इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। क्वेश्चन फाइव पे आया मैं, हैप्पी वैली फ्लोरिस्ट लिमिटेड डिलीवरी मैंने एक्वायर की थी हायर परचेज पे, हायर परचेज प्राइस भी गिवन है, इसकी मुझे जरूरत, मैंने बताया था इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ना भी दिया मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि मेरे पास डाउन पेमेंट का अमाउंट है, मेरे पास चारों इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट है, इसको ऐड कर दूंगा तो ये भी 1,80,000 बन जाएगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है 1,80,000 की। कैश प्राइस गिवन है, टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा,
अगेन रीपेमेंट शेड्यूल से काम बन जाएगा आपका। कैसे पता है ना, कैश प्राइस पे इंटरेस्ट। अच्छा इसमें ना प्रॉब्लम क्या है, नहीं 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 बनेगा, ये वाला नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि इस पे मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं पता, तो ये इंटरपोलेशन, मुझे इंटरेस्ट का रेट नहीं पता, तो ये इंटरपोलेशन वाली बात हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन फाइव में, क्वेश्चन नंबर सिक्स तो हमने कल ही स्टार्ट किया था, इसमें तो वो सिंपल, ये तो वो वाला क्वेश्चन है, जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन था। ठीक है, हो गई रिवीजन आपकी, एक एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी देख लें कुछ चीज है तो। एक आपको दिक्कत आई थी इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थ्री में, सबको दिक्कत आई थी रेफ्रिजरेटर वाले क्वेश्चन में, इसमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट से 123 रुपये की, इसमें कॉस्ट प्राइस भी गिवन था मुझे और हायर परचेज प्राइस भी गिवन था, इस पे हमने काफी डिस्कशन की थी। कॉस्ट प्राइस गिवन है, हायर परचेज प्राइस गिवन है, टोटल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं मैं, लेकिन मुझसे पूछा गया इस क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द हायर परचेज प्राइस, एक तो ये पूछा है, साथ में इसने पूछा है कि हर साल कितना जाएगा। अब यहां पे ना इंस्टॉलमेंट में नहीं पूछा कि एक इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, वो पूछ रहा है एवरी ईयर प्रॉफिट लॉस में कितना इंटरेस्ट जाएगा, सो देयर इज अ डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस, मैंने लिखवाया भी था यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या किया था, नहीं, टेक्निक क्या लगाई थी, इंटरपोलेशन, मैंने बताया था रेंज ले लो इसमें आप, रेंज जैसे किसी, मैंने बताया था कि 1.5% और 4% का रेंज ले लो, मतलब 8 to 16, 2% से चार लोगे तो 8 to 16 हो जाएगा, 1.5 से ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 15 4 6 to 16 हो जाएगा, ये 6 to 16% रेंज हो जाएगी, तो आप ऐसे कर लो इसको, इंटरपोलेशन टेक्निक थी, सिंपल टेक्निक थी, बस इसमें क्वार्टरली हो गया था, अभी तक आप हाफ ईयरली कर रहे थे, अभी तक आप क्वार्टरली एनुअली कर रहे थे, अगर इसी में मंथली कर दे तो वो, मंथली कर दे तो वो, तो मंथली कर दे तो सिंपल है, जो रेंज है ना ये, इसको एक काम करना 1 से 2% ले लेना, 1 से 2 भी से भी एक्चुअली 0.5 लेनी पड़ेगी आपको, 0.5% to 2% रेंज, तो 0.5 कितना हो गया 6% और 2% कितना हो गया 24 हो गया, तो फिर एक कर दो 12%। ठीक है, एक कर दो, 1.5 कर दो, इसी की रेंज में वो क्वेश्चन करके आ जाना, आपका अमाउंट आ जाएगा। कहने का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, कैसा भी हो आपको रेंज देख लेना, कि एक नॉर्मल सी रेंज रख लो आप। मतलब क्या कह रहा है, 8% ईयरली हो गया, हाँ, ऐसे मतलब वही की रेंज ऐसे ले लो कि नॉर्मल सी रेंज, जो कि 5 से 15, 5 से 16, 5 से 18 के आसपास की रेंज, जो थोड़ा सा जिसमें आपका आंसर फॉल करे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थ्री में दिक्कत आई थी आपको, और कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आई थी इसमें, क्वेश्चन फाइव भी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन फाइव में पता क्या हो गया था आपको, दिक्कत बस क्या आ रही थी, यहाँ पे 2 ईयरली हो गया था, तो मैंने क्या करवाया था, इसको 10 को 20% कर दो बस, बाकी सब कुछ सेम रहता, मैंने क्या करवाया था, into 20 divided by 120 करवाया था, याद हो तो, हर हर क्वेश्चन, हर इंस्टॉलमेंट में, जब बैक बैक कैलकुलेशन क्वेश्चन है ना। हाँ जी, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले यहाँ कम बनते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने खुद देखा है काफी, बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, और एक्चुअली अभी तो दिखाऊंगा, एक्चुअली जो ये मतलब कंपाउंडिंग, अभी हम इसकी बारे में ना लास्ट में चर्चा करेंगे, जब मिसलेनियस टॉपिक बचेंगे, देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस, लास्ट में एक टॉपिक आएगा, इसमें क्वेश्चंस नहीं है उसके, तो मैंने क्वेश्चन डाले भी नहीं है, मुझे कंफ्यूज नहीं करना आपको, मतलब दीज आर सब सफिशियंट क्वेश्चन दैट यू शुड डू, कंपाउंडिंग की मैं अभी बात कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलें, बस ये हो गया, रिविजन हो गई, अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपने वापस, क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ जी, मिल्क वेंट टू सुपर मोटर्स, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर कर दूं, सुपर मोटर्स एक्चुअली, यस, कल की थी ना वही सेम है ये, कल वाला क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम ये, अच्छा लास्ट क्लास में तुम थे नहीं, सॉरी, चलो एक बार दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 8 था, तुम्हें कैश प्राइस पता है, 2,25,000 रुपये है, 75,000 × 3, 2,25, 2,25 तुम्हें कैश प्राइस पता है, सिंपल है, इंटरेस्ट का अमाउंट पता है 9%, बस निकाल लीजिए अब इंटरेस्ट, रीपेमेंट शेड्यूल बना के, सिंपल स्ट्रेट कैलकुलेशन है, 2,25 में से 45 माइनस करेगी डाउन पेमेंट, बचा कितना 1,80, 1,80 पे 9% लगा, तो 1,80 का 9% कितना, ये आता है 1,80 का 9% 16,200। ठीक है, अगेन नेक्स्ट वाला करेंगे तो उसमें क्या करेंगे,
180 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि 180 प्रिंसिपल है, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120। अब 120 पे 9 लगाएगी, 9% लगाएगी तो 114,400, ठीक है। तो वो हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सुपर मोटर्स, सुपर मोटर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी 60,000 की प्लस 16,200, 76,200 की इंस्टॉलमेंट जाएगी, 76,200 की इंस्टॉलमेंट गई। अभी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन टू मिल्क वैन। अब डेप्रिसिएशन का रेट 20% लगाऊं या पे 30% लगाऊं, 20%, क्योंकि मेरी बुक्स में 20 लग रहा है, वो तो वैल्यू निकालने के लिए मैंने 30% निकाला है, म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू निकालने के लिए। तो डेप्रिसिएशन 2,25,000 रुपये की एसेट है, 45,000, 20%, 45,000। अब याद रखना ये डब्ल्यू डी वी है, ये SLM नहीं है, तो हर साल कम होएगा डेप्रिसिएशन, तो ये गलती मत करके आना। ईयर वन आ गया, डेप्रिसिएशन लगा दिया, अब पी एन एल में डाल दूँ सब कुछ, टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट 45,000 प्लस 16,200, 61,200। ईयर वन सबसे सब कुछ सही सही गुजरा, कुछ नहीं हुआ, पेमेंट गई टाइम पे, सब कुछ होता गया। ईयर टू आया मेरा, ईयर टू में क्या हुआ, देखो इंटरेस्ट तो एक्यूमुलेट हो गई, तो इंटरेस्ट टू सुपर मोटर्स चौदह 400 का मेरा इंटरेस्ट तो एक्यूमुलेट हुआ। सेकंड फिर क्या हुआ, डेप्रिसिएशन भी गया टू एसेट टू मिल्क वैन, कितना डालू इसमें 36,000, 2,25 माइनस 45, 36,000 रुपये कैसे निकला, दो हाँ 2,25 माइनस 2,25 माइनस 45,000 इंटू 80%, सॉरी इंटू 20%, 36,000 ये मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 36। पीएनएल में भी डाल दूं, हाँ वो तो लेकिन मामले डाल देंगे ना आराम से, तीन एंट्री तो पक्की हो गई। इंटरेस्ट का अमाउंट है 14,400 और डेप्रिसिएशन का 36, तो हो गया 5,400। अब भाई रीपोजिशन की बारी आ गई है, क्षितिज रिपोजिशन कैसे करेगा, पार्शियल रिपोजिशन है याद रखियो। 14,400 सही नहीं लग रहा, लास्ट कल वाली क्लास में कितना निकाला था हमने, तो घर से किया था कंप्लीट क्वेश्चन, कितना 10,800 है। एक सेकंड रुकियो, 1,20,000 का 9% कितना होता है, 10,800 ही होता है क्या, हमने 12% किया था उर्वशी, 1,20,000 का तूने बता, मोहित यू हैव एनीथिंग टू से, दस 800, तो ये 10,800 36 हो गया, कितना हो गया 46,800। बस क्षिति जी पढ़ रहा है क्लास में तो मैं देख रहा हूँ, 46,800। हाँ जी, अब पार्शियल रिपोजिशन की बारी आ गई है, उसके लिए मुझे सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा हायर वेंडर के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है इस टाइम पे, तो मुझे एक हायर वेंडर अकाउंट बनाना पड़ेगा। हायर वेंडर अकाउंट कल बनाया था मैंने, उसी को यूज़ कर लूँ अभी के लिए, तो कल एक हायर वेंडर अकाउंट बनाया था मैंने, बनाया था भाई सुपर मोटर्स का अकाउंट बनाया था ना मैंने, सुपर मोटर का अकाउंट बनाया था ईयर टू के एंड में, उसमें कितना पैसा, ईयर टू स्टार्ट हुआ यहाँ पे बीडी कितना था ईयर टू के में, नहीं बीडी कितना था, 1,20 था, इंटरेस्ट कितना एक्यूमुलेट हुआ 10,800, 130,800। उर्वशी कोई डाउट यहाँ पे, अरे ये ईयर वन से चला आ रहा है ये, तो ये आपका यहाँ पे आपने एसेट परचेज की थी इससे बाय मिल्क वैन, कितने की 2,25 की, इसको आपने पैसे दिए थे टू बैंक, डाउन पेमेंट की थी ना 45 की, वो की थी आपने, और आपने इस पे इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट किया था 16 कितने का था, 16,200 का पेंशन, फिर आपने इंस्टॉलमेंट पे की थी इसे 76 की, 76,200 की, और जो ये सीडी बचा था ये था 1,20,
ये आपका अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया था। नेक्स्ट ईयर ये 1,20 यहाँ पे आ गया था, ईयर टू में इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ 10,800 रुपये, 10,00,000, 10,800 रुपये का। कल एक्चुअली क्वेश्चन किया था हमने, कल ना इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज। अब एसेट को उठाया मैंने एक वैल्यू पे, कितनी कितनी वैल्यू है वो, 73,800, वर्किंग नोट वन में 73,500। मैं नोट कर लूँगा उसको बड़ा, सब यहाँ तक नोटिंग हो गई सबकी, मैं नोट कर लूँ। किसी को लगता है ना फास्ट हो रहा है ज़्यादा कुछ, किसी को ऐसा तो नहीं ना बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है, पता नहीं, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें की हुई है ना, तो मैं जल्दी करवा रहा हूँ, रानी को लग रहा होगा पक्का। अच्छा भाई मैं लड़कियों को कुछ नहीं बोलता, डरता हूँ मैं। कोई बात नहीं यार, अभी तू ना, तेरा पाला नहीं पड़ा अभी। अच्छा तो मतलब शादी करने वालों को पता होता है, सलमान खान को मतलब पता ही नहीं किसी का ना कुछ उसको। अच्छा उसे पता ही नहीं है, दबंग है वो। हाँ जी, और ये जो सारे बोल रहे हैं ना शादी शादी, ये सबसे पहले शादी करेंगे, तू अभी बोल रहा है तू। होएगी नहीं कभी, होएगी ऐसे 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 मत कर, देख नहीं दिक्कत हो जाएगी। देख मैट्रिमोनियल साइट इज ऑलवेज बेटर देन टिंडर। चले क्या क्या रिकॉर्ड करवा रहे हो यार। हाँ जी, 1,20,000 यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे बताओ, मैं यहाँ पे कौन सी अमाउंट, अच्छा अमाउंट बताओ मुझे, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे। यहाँ म्यूचुअल एग्रीड वैल्यू आएगी, क्योंकि ये बोल रहा है कि जिस एग्रीड वैल्यू पे ना हम लाइबिलिटी कम कर रहे हैं, उसने निकाली हुई है वो है 73,500, तो बोला इतने से ना लाइबिलिटी कम हो जाएगी 73,500 से, दिस इज माई म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू। तो वो बोल रहा है हायर वेंडर के इस वैल्यू पे मैं अपनी लाइबिलिटी कम करने को रेडी हूँ 73,500 पे, तभी हमने निकाल लिया ये। और हायर परचेजर के लिए इसको मैं बोल सकता हूँ एक तरह से सेल वैल्यू, कि उतने इस वैल्यू पे उसने एसेट बेच दी है। दोनों एंगल से सोचना है मुझे, हायर परचेजर एंगल से, हायर वेंडर एंगल से। हायर वेंडर रेडी हो गया 73,500 में, मैं अपनी लाइबिलिटी कम करने को रेडी हूँ, तो मैंने क्या किया, उसकी लाइबिलिटी मैंने 73,500 से कम कर दी, ठीक है। लेकिन वो ये सारा काम, अच्छा लास्ट, ये ईयर टू की लास्ट डेट को हो रहा है सारा काम, ये याद रखना, ये ईयर टू की लास्ट डेट पे हो रहा है। अब वो बोल रहा है जो बाकी का पैसा सेटलमेंट करने वाला जो पैसा था ना, वो 3 महीने बाद सेटलमेंट हुआ है, उसका मतलब वो ईयर थ्री में सेटलमेंट हुई है। वो कितना पैसा है, तो ये तो मेरा चला गया वैन अकाउंट में, जिस मिल्क वैन, और जो बाकी बचा पैसा बैलेंस सीडी अगले साल ले गया मैं उसको, अमाउंट बता दो मुझे कितना ले गया मैं, ब्रॉड डाउन टू बैंक अकाउंट, ये हो गया मेरा ईयर थ्री, ईयर थ्री 57,300, 57,300, 57,300 की मैंने लाइबिलिटी अपनी खत्म कर दी। अच्छा 3 महीने बाद की अकॉर्डिंग टू यू इंटरेस्ट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए हायर वेंडर को, भाई 3 महीने बाद मैंने बाकी का पैसा दिया है ना उसे वापस, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई है, मैं दे तो देता इंटरेस्ट, बट अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ू ना अपना,
वो लिखा हुआ है एक्स सेटल द सेलर्स ड्यूज आफ्टर 3 मंथ्स, कि जो भी उसका बचा हुआ पैसा था उसने 3 महीने सेटल कर दिया है। तो मतलब इसमें ना कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं की हुई, सिंपल बोला गया कि एक डेट को, रिपोजिशन डेट को कैलकुलेशन करी हमने, जो कैलकुलेशन करके जो बैलेंस बचा हुआ पैसा 3 महीने बाद उसको मैंने दे दिया, तो इस वजह से मैंने उस पर इंटरेस्ट लगाया नहीं है। एक नोट डाल सकते हो आप कि इट इज अज्यूम दैट हायर वेंडर हैज नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्यू अमाउंट, ठीक है। और फिर ये भी लिखना एक लाइन अगर और भी बेटर करने के लिए अपना आंसर, कि देखो ऑल्टरनेटिवली 3 महीने पे 57,300 पे 9% रुपए के हिसाब से ब्याज लगा के इतना पैसा बनता, तो वो लिखाना अमाउंट भी, सिर्फ नोट में, क्वेश्चन में नहीं, नोट में लिखाना वो अमाउंट, थोड़ा बेटर हो जाता है प्रेजेंटेशन वाइज। हाँ जी, 57,300 एंट्री करना स्टार्ट कर दें हम। अच्छा, अभी एक अकाउंट और बनेगा, मिल्क वैन अकाउंट। एनीवन हु वांट टू वॉलंटियर फॉर दिस अकाउंट? किसी ने बनाया मिल्क वैन अभी? ईयर वन, टू सुपर मोटर्स, 2,25, डेप्रिसिएशन 45, सीडी 1,80,000, बीडी आया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80 बाय डेप्रिसिएशन 36,000। अब इसके बाद बताओ क्या काम होगा, यहाँ तक तो समझने को बड़ा अच्छे से आता है, इसके बाद बताओ मुझे क्या होगा। तिहत्तर 500 सुपर मोटर के नाम से, बिल्कुल सही है। अब प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया? म्यूचुअली एग्रीड तो 77,500 है, और जो मेरी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑफ टू वैंस, ठीक है। सो मैं एक काम यहाँ करूँ, एक वर्किंग नोट बना दूँ टू, देखना कैसे बना रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यार, तुम जैसे मैं तो यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ ना, तुम्हें क्या करना है, अपना सॉल्यूशन का पेज अलग रखना है, वर्किंग नोट का पेज अलग रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मेरे लिए वो रखना, ठीक है। सॉल्यूशन मेन, सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है आपको। क्या मैंने सिखाया था एक चीज़, कि आपको ना पता होती है कितनी एंट्रीज होने वाली हैं, कैसे पता होती है, एक साल में यूजुअली 4 एंट्री होती हैं और ईयर 0 में 2 एंट्री एक्स्ट्रा होती हैं, टोटल 6 एंट्री। उसके बाद हर साल में तीन तीन चार चार एंट्री होगी, 4 एंट्री 5 है, 4 एंट्री के आसपास, तो आपको स्पेस आइडिया हो जाएगा कितना स्पेस छोड़ना है आपको। तो याद रखना हायर परचेस के क्वेश्चन में ना मेन आंसर के लिए मिनिमम 3 पेज छोड़ना है, जिसमें आपके अकाउंट्स भी बनेंगे, जिसमें आपके जर्नल एंट्रीज भी होंगी, ठीक है। मिनिमम 3 पेज छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लास्ट में बच जाता है तो। और चौथे पेज से आपको वर्किंग नोट स्टार्ट करना है। हाँ जी, बुक वैल्यू ऑफ टू वैंस एट द एंड ऑफ 2 ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सॉरी, कैसे निकालेंगे क्षितिज, कैसे निकालेंगे टू वैंस की वैल्यू? एक की वैल्यू कितनी थी, 75,000 रुपये? उपका निकाली है, वो तो म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू निकाली है, ये तो हमने, मैं कह रहा हूँ बुक वैल्यू सेपरेटली क्यों निकालेंगे भाई? देख, 1,50,000 रुपये दो की वैल्यू है, ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा इस पर, 20%, तो 0.8 कर दूं भाई, बुक वैल्यू निकालनी है ना, फिर दोबारा 0.8 कर दूं भाई, 0.8 तो ईयर 1 की वैल्यू हो गई, फिर इसका 0.8 कर दिया तो ईयर 2 की वैल्यू आ गई, और ईयर 3 का पूछा होता तो दोबारा 0.8 कर देता। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? मैथ सिंपल मैथ सही है, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। मैंने बोला 1,50,000 पे, अगर देखो तुम क्या करते हो, तुम 1,50,000 पे -20% करते हो, फिर कुछ अमाउंट निकल के आता है उस पर -20% करते हो। मैंने क्या किया, 1,50,000 से सीधा यहाँ पहुंचा और यहां से सीधा यहाँ पहुंच गया, 80-80% करके आके। इट्स अ सिंपल कंपाउंडिंग थिंग। हाँ जी, कितना आ रहा है, 1,50,000 इंटू 80% इंटू 80%, या इंटू 0.8 इंटू 0.8 कर दो, 96,000 सही आ रहा है, बुक वैल्यू आ गई। अच्छा, एक की बुक वैल्यू कितनी होगी फिर, 49, नहीं 48, 48, तो एक की, अच्छा एक की वैल्यू हमें बैलेंस शीट में 48 आना चाहिए, याद रखना यहाँ पे 48 आएगा, क्योंकि तीन वैन थी, तीन में से दो को मैंने बेच दी या रिपोजेस करवा दी, एक मेरे पास बची है, जो एक बची है उसकी वैल्यू 48, सीडी वाली जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखना है, सुपर मोटर्स को 73,500 में बेचा है मैंने,
बेची है मतलब, या फिर मतलब उसको मैंने दे दी है. लेस रिपोजेस्ड वैल्यू 73,500, नुकसान कितने का आ गया? बाईस पाँच सौ का ये मेरा नुकसान हो गया. 22,500 का ये मैं ले जाऊंगा यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. किसकी इसकी? यह थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है, मतलब बनाने को थोड़ा सा ना एग्जामिनर के भी, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको भी क्लैरिटी मिल जाती है, एग्जामिनर को भी क्लैरिटी मिल जाती है जो आपको पेपर चेक कर रहा है कि बंदे ने सब कुछ सोच समझ के सही से किया हुआ है. अगर आप यहाँ नहीं बनाओगे ना इसको, तो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा पीएनएल कैसे आया उसके नीचे ब्रैकेट में, थोड़ा अगर हॉच पॉच हो जाएगा तो. मैं आई वुड प्रेफर ये कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन साफ सुथरा सॉर्टेड सा हो जाता है. ईयर टू में अब क्या करनी है? अब एंट्री पास करनी है, मुझे रीपोजेशन की एंट्री पास करवानी है. क्या करवाऊँ? सबसे पहले दो चीज़ें बताई थी मैंने, एक तो लाइबिलिटी कम होगी और आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी. ठीक है, लाइबिलिटी कम का ऊपर डालू सुपर मोटर्स. सुपर मोटर्स की लाइबिलिटी कितने से कम हो रही है? 73,500 से, म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू से. एसेट कितने से कम हो रहा है? टू मिल्क वैन. बुक वैल्यू से कितनी वैल्यू से? 96,000 से. और 22,500 का मुझे नुकसान आ रहा है. यस और नो? इस एंट्री में किसी को डाउट? सुपर मोटर्स की लाइबिलिटी 73,500 से कम हो रही है, मिल्क वैन 96,000 से कम हो रहा है क्योंकि बुक वैल्यू इतनी है मेरी, मेरी बुक से पूरी की पूरी 96,000 की एसेट जा रही है और मुझे लॉस हो रहा है 22,500 का. तो लॉस डेबिट साइड में, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट किया मैंने और लाइबिलिटी कम हुई तो मैं डेबिट कर दिया मैंने. क्वेश्चन बस अपनी आखिरी सांस ले रहा है. ईयर टू ये हो गया, ईयर थ्री में बस एक एंट्री पास करनी है, सुपर मोटर टू बैंक अकाउंट अमाउंट इज 57,300. क्या ईयर थ्री में एक एंट्री पास होगी ना? नहीं, 57,300 सुपर मोटर्स टू बैंक अकाउंट डेबिट 57,300. सॉर्टेड है चीजें सबकी? पार्शियल रिपोजिशन ये केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन करके आना है, क्वेश्चन नंबर 10. मैं रीड करवा रहा हूं एक बार बस आप लोगों को. 11, 11, 11 पे आओ एक बार, मैं रीड करवा रहा हूँ. एक डिट्टो क्वेश्चन है. एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम दिल्ली मोटर्स थ्री टेम्पोज कॉस्टिंग, कॉस्टिंग वर्ड है ध्यान से, कॉस्टिंग का मतलब कैश प्राइस, 50,000 रुपये ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/1/2001. डेट दे दी उसमें, ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री से काम हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग स्मार्ट हो अब तो, इतना चल गया आपको कौन सी डेट को, लास्ट डेट को आपकी इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट सब लास्ट डेट को होता है. यस, पेमेंट वॉज टू बी मेड 30,000 की डाउन पेमेंट करनी है एंड द रिमाइंडर इन थ्री इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेएबल ऑन 31/12, 31/12/2001, 2002, 2003 को, तीन इंस्टॉलमेंट से 3 साल में पे करनी है. अगेन इसमें आपको ना प्रॉब्लम क्या देख रहे हो, टुगेदर विद इंटरेस्ट रीपेमेंट शेड्यूल से आपको इंटरेस्ट अमाउंट निकालना पड़ेगा. अच्छा, जरूरत है रीपेमेंट शेड्यूल बनाने की इसमें? क्यों जरूरत क्यों नहीं है? चालीस 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 की तीन गई. पहला पहले एक सेकंड रुको, किस पे कह रहा है तू? एक सेकंड मुझे बताइयो, 1.5 लाख रुपए है तेरा, तो तुम क्या करोगे? डायरेक्टली हायर वेंडर अकाउंट बनाओगे, इसी वाले क्वेश्चन में हायर वेंडर अकाउंट बनाओगे, हायर वेंडर में डायरेक्टली इंटरेस्ट लगता जाएगा. जैसे इस क्वेश्चन में हमने कहा था ना, जैसे मान लो ये मिल्क वैन लगाया, 16,200 कैसे आया था? ये 2,25 - 45 करके आ गया था, 2,25 - 45 किया तो 1,80, 1,80 पे 9%,
फिर मैंने 60,000 तो एक इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस प्लस 16,200 पे कर दिया, बचा 1,20। नेक्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट 1,20 पे 9% लग गया। ठीक है, तो डायरेक्टली हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, साफ साफ सीधे काम करते चलेंगे हम, हर वेंडर अकाउंट में मेरा बन जाएगा। बट अब यहाँ पे भी एक कैच है, समझने वाली बात क्या है, अगर क्वेश्चन में लेट से बोला ही नहीं हायर वेंडर अकाउंट बनाओ, तो क्या फिर आप हायर वेंडर अकाउंट से करोगे या फिर वर्किंग नोट बनाओगे भाई? ये तू, तेरे को क्या लगता है रिजल्ट ये 10-20% क्यों है? अब भाई तू अपने भाई तेरा अपना माइंड थोड़ा एग्जाम में चिपका के आएगा, समझ बात को, तेरे को दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वर्किंग, अगर देखो अगर आपको क्वेश्चन में हायर वेंडर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है तो आप हायर वेंडर अकाउंट से डायरेक्टली हो जाएगा काम आपका, लेकिन अगर हायर वेंडर अकाउंट नहीं बना होगा तो आपको वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा दिमाग में जो कर। यार ये गलती मत करना भाई, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, मैं मान रहा हूँ बात को, मतलब उनको चीजें कोई छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो लगते हैं मैं क्या दिखाना, मैं यार ये तो पता है इम्प्लाइड है क्या। यार हर डायरेक्शन में लिखेगा ना एग्जामिनर के लिए भी, सोच कितना डिफिकल्ट हो जाएगा चेक करना। तू एक जगह सेट दिखा दे उसको, देखो ये इंटरेस्ट इस साल का, पहले साल का, दूसरे साल, तीसरे साल का, इंडिया इंटरेस्ट पोर्शन है डायरेक्टली तेरे को, तू भी हर जगह उस वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दे और क्वेश्चन सिंपल से कर दे, दैट वुड बी अ मोर बेटर ऑप्शन, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। हाँ जी, तो बोला डेप्रिसिएशन का रेट बताया 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, उसमें भी 20% था, कुछ फिगर्स भी देख लो बिल्कुल कितनी सेम सेम है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें था, डेप्रिसिएशन भी इसमें था, 3 इंस्टॉलमेंट भी इसमें है, डाउन पेमेंट भी इसमें है। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर 31/12/2001 को, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, इसमें भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी बाकी दी नहीं। डेली मोटर्स एग्रीड टू लीव वन टेम्पो विद द परचेजर, अगेन इसमें भी दो टेम्पो उठा के ले गया वो तीन में से, ठीक है, विद द परचेजर ऑन 1/1/2003, ये पॉइंट है पकड़ने वाला, यहाँ गलती करके आओगे 90% लोग यहाँ गलती करके आएंगे, इसको ध्यान से तो हाईलाइट कर लो, अगर हाईलाइटर आयो इस पॉइंट को हाईलाइट करो। इसमें जो रिपोजिशन हो रही है ना, फालतू में एक नंबर लूज करके आओगे आप लोग, इसमें रिपोजिशन जो हो रही है ना वो 1/1 को हो रही है, ना कि 31/12 को, अगले साल को रिपोजिशन हो रही है। तो आप जब लेजर अकाउंट्स बनाओगे अपने तो ईयर 3 में, मतलब ईयर 3 में आप रिपोजिशन करोगे ऑन द वेरी फर्स्ट डे, ठीक है, सिर्फ एक दिन की वजह से ना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि क्या नोट के डालना साफ साफ डेट दी हुई है नोट, तो जब देना कुछ चीजें क्लियर ना हो, सिर्फ एक दिन की वजह से आपका ईयर 2 की बजाय ईयर 3 में काम होगा। ठीक है, ये हो गया, द टेम्पूज वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली, अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ, 30% SLM है, WDV है, क्या लिख क्या करें, SLM कर लें, इजी कर लें काम को, अगर जो भी करना है नोट डाल के आ जाना चुपचाप, ठीक है, WDV SLM मेरे अकॉर्डिंग, वो तो बुक्स में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना उसके बारे में बात कर रहा है, दिस इज अ म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू, आई नो तूने अभी पढ़ा नहीं है ये, तेरे को म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो मतलब उस क्लास की रिकॉर्डिंग है, तो उस क्लास मतलब उस बेसिकली उस पोर्शन की तो रिकॉर्डिंग है, वो तो ले लियो, ठीक है, हाफ पोर्शन की रिकॉर्डिंग नहीं है। तो टेम्पोज वर वैल्यूड ऑन द बेसिस 30% डेप्रिसिएशन, शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, अगेन जनरल एंट्री नहीं करनी है, प्लीज 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 जनरल एंट्री मत करके आ जाना, मैंने इतने बच्चों के ये दिक्कत देखी है, हायर परचेस का क्वेश्चन है कुछ नहीं देख, लास्ट लाइन तो पढ़ते ही नहीं है, मर्जी से जनरल एंट्री स्टार्ट कर देते हैं, लास्ट लाइन तो पढ़नी नहीं है, ठीक है, तो जनरल एंट्री ऐसे मत स्टार्ट करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना और लास्ट लाइन पढ़ के ही, इनफैक्ट इस चैप्टर में और हर चैप्टर में लास्ट लाइन पढ़ना। आई टेल यू वन प्रैक्टिकल थिंग, एक बार एक क्वेश्चन आया कि लास्ट में ना तुम्हें इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन होता था, ठीक है, 12th में इशू ऑफ शेयर्स में लास्ट लाइन आई, पूरा क्वेश्चन दिया हुआ, फुल फ्लेज क्वेश्चन कि अलॉटमेंट हुआ, इस बंदे ने पैसे नहीं दिए, इसने दे दिए, ये पूरा क्वेश्चन फोरफिट किया सब कुछ, लास्ट में ना बच्चे ने क्या किया, पढ़ के वो खुश हो गया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन किए हुए थे, बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं, स्टार्ट जर्नल एंट्री, स्टार्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, एंट्री पास करना स्टार्ट हुआ, और लास्ट में क्या लिखा हुआ था, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, खत्म, बस ये क्वेश्चन था कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हुआ वो निकालना है, एक वर्किंग नोट बनना था जो बेसिकली एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वो उस बंदा पूरा क्वेश्चन कराया आराम से 8 नंबर, मतलब 6 ना 8 नंबर, सोचा 6 8 नंबर पक्के हैं मेरे, लास्ट में देखा तो वो क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन और एक वो काम करना था,
तो यार ये चीज़ें यहाँ, और ये चीज़ सीएम में भी रिपीट होती है, सीएम में भी ऐसी चीज़ें बहुत रिपीट होती हैं कि, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, अब इसमें जर्नल एंट्री ने हट गई तो क्वेश्चन की वेटेज कम हो जाएगी, मार्क्स कम हो जाएंगे, तो जब मार्क्स कम होंगे तो अकॉर्डिंगली बड़ा नहीं करना है क्वेश्चन को। हाँ जी एसएल, ये जो डेप्रिसिएशन है इस पे 30% एनुअली लिखा हुआ है, कैसे भी कर सकते हो, WDV लगाया हो या SLM लगाया हो, वर्किंग नोट दे देना बस एक, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा घर से, ट्राई करना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग है ही नहीं इसमें। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ, और एक सेकंड मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी उसको एक क्वेश्चन और कर सकते हो आप लोग। अब क्वेश्चन 7 मैं रीड करवा रहा हूँ एक बार, क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7, इसी के ऊपर होमवर्क लिख लिया अगर अपने क्वेश्चन बुकलेट में। लकी लिमिटेड, लकी बॉट टू ट्रैक्टर्स, यस टू ट्रैक्टर बाई किए इसने ऑन 1/10/2001 को। अच्छा एक चीज और है, हर परचेज के क्वेश्चन में आपको डेट भी देखना जरूरी है, आपको ये देखना जरूरी है कि आपका साल कौन से डेट डेट को एंड हो रहा है। तो जैसे कई बार कैलेंडर ईयर होता है, कई बार फाइनेंशियल ईयर होता है, तो वो ध्यान देना जरूरी है आपको लोगों को। तो यहाँ पे बताया गया कि 1/10/2001 को 1 अक्टूबर को उसने 2 ट्रैक्टर खरीदे, डाउन पेमेंट दी 5 लाख की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, सो टोटल इसका हो गया आपका हायर परचेज प्राइस। इंटरेस्ट बताया 10% पर एनम इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं, नहीं नहीं इसमें नहीं बनेगा, बैक कैलकुलेशन होगी इसमें, कैश प्राइस नहीं की बना तुझे। आते हैं, लकी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसेस। सिंपल है, कोई मतलब अभी तक तो सिंपल चल रहा है सब कुछ। ऑन 30/9/2004 हम कहाँ खड़े थे पहले, 1/10/2001 को, 1/10/2001 को खड़े थे, और उस बंदे ने उस, अब हमें दी हुई डेट 30/9/2004, इसका मतलब 2002, 3 यहाँ पे 4, तो मतलब 3 साल बाद, पहला साल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 साल बाद की डेट बता रहा है। 3 साल बाद क्या हुआ, बोल रहा हूँ 30/9/2004 को लकी फेल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट, अपॉन विच हैप्पी रिपोजेस्ड 1 ट्रैक्टर। तो एक ट्रैक्टर पार्शल रिपोजेशन का क्वेश्चन है ये। हैप्पी एग्रीड टू लीव 1 ट्रैक्टर विद लकी एंड एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। अगेन वही सिंपल क्वेश्चन है, द ट्रैक्टर टेकन ओवर वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। सिंपल, द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन द वेंडर्स अकाउंट आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट वॉज पेड बाय द लकी आफ्टर 3 मंथ्स विद इंटरेस्ट। ये देखो पर एनम, पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात नहीं की गई थी, जब मैं कह रहा था कि आप नोट लिख के आ जाना कि कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, यहाँ पे वो बोल रहा है कि ये जो 18% है ना सिर्फ इंटरेस्ट, ये उन 3 महीनों के लिए है, और जो 10% का जो इंटरेस्ट ऊपर दिया हुआ है ये वाला, ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स के लिए है। डिफरेंस समझ लो, यहाँ पे घर से करके लाना है। तो मान लो, हाइपोथेटिकली बता रहा हूं मैं, मान लो 50,000 रुपये बचा, कि 50,000 रुपये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 50,000 रुपये देने हैं उसको, तो 50,000 3 महीने बाद देने हैं, तो कैसे निकालेंगे, 50,000 × 18/100 × 3/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस 50,000 रुपीज मुझे 3 महीने बाद पे करना है, करेक्ट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश प्राइस, कैश प्राइस कैसे निकलेगा, बैक कैलकुलेशन से। इंस्टॉलमेंट दी हुई है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 9/1099, 9/1099, 9/1099 करके इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट निकाल दोगे आप हर साल का, और इंस्टॉलमेंट निकल जाए, कैश प्राइस निकल जाएगा उस, और जो कैश प्राइस निकलेगा डाउन पेमेंट ऐड करके कैश प्राइस निकलेगा, याद रखना, हर इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस निकलेगा प्लस डाउन पेमेंट करोगे तब टोटल कैश प्राइस निकलेगा। क्योंकि बहुत बच्चे गलती करके आते हैं, हर इंस्टॉलमेंट के कॉम्पोनेंट में से कैश प्राइस तो निकाल लेते हैं, डाउन पेमेंट ऐड नहीं करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसको डाउन पेमेंट ऐड करना भूलना मत बिल्कुल भी, इसको चाहे लिख लो, ये जो बातें बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतने पेपर में ये गलतियाँ होती हैं, और तुम भी अभी एग्जाम करोगे ना, पेपर दोगे, यू विल ऑल्सो रियलाइज कि तुम क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट में से कैश कॉम्पोनेंट तो नोट डाउन कर दोगे, ऐड करके बोल दोगे ये कैश प्राइस है, उसमें डाउन पेमेंट ऐड करना भूल जाओगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है उसमें, छोटे ऐसी ऐसी गलतियाँ होती हैं, पूरे क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे तुम लोग, क्या। अच्छा नहीं मैं बता रहा हूँ, ये गलतियाँ बहुत होती हैं क्योंकि एग्जाम प्रेशर इतना होता है, ज़रा ज़रा सी चीज़ें, और पता पूरा क्वेश्चन आपको आता होता है, आप ही छोटे छोटे मिस्टेक करते हो, जो बच्चे टैक्स पढ़ रहे हैं फॉर दैट मैटर। अब ATC पढ़ लिया अभी आप लोगों ने, पहुंचे हो अभी तक। ATC में एक होता है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, वो भी किस पे होता है, ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि लोन है वो लिया हुआ है मान लो अपनी आंटी से और मैं उसकी रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल कर रहा हूँ उसकी आप एटीसी में अभी बोल रहे हो ना एग्जाम टाइम में जब 20 पॉइंट होंगे अच्छा तो क्या देखोगे बस प्रिंसिपल रीपेमेंट ओके फाइन माइनस करो एटीसी में से ये गलती ये बता रहा हूँ पता मुझे भी है पता आपको भी है गलती है जो बता रहा हूँ तो बहुत फोकस्ड माइंड के साथ बिल्कुल चीज़ें समझ के अच्छे से रीड करके एक बार पूरा फोकस के साथ काम करना है। हाँ जी क्वेश्चन सिंपल है कैश प्राइस निकालना है ट्रैक्टर अकाउंट बनाना हैप्पी अकाउंट बनाना हैप्पी मतलब कौन है हायर वेंडर अकाउंट बनाना है ट्रैक्टर अकाउंट एसेट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ लकी अज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज ऑन 30 सितंबर ईच ईयर। तो काम इजी कर दिया इसने आपका 6 6 महीने का काम ही नहीं खत्म कर दिया इसने आपका। फिगर्स में भी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रूपी ना भी बोलता तभी हम करके आते राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रूपी। अब देखो यहाँ पे ये तो उसने 30 अप्रैल 30 सितंबर हर साल अकाउंट क्लोज कर रहा है ये तो क्या हो रहा है फर्स्ट डेट को इसने परचेज कर लिया यहाँ पे और लास्ट डेट को इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। माई क्वेश्चन इज अगर ये अकाउंट क्लोज हो रहे होते 31 दिसंबर को तो क्या करते तो क्या करते यार इतना ना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसे ऐसे सैड फेसेस सिंपल सी बात है क्या करते क्या करते सिंपल अगर 3 महीने का काम कर देते 3 महीने का इंटरेस्ट लगाते और 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगाते पहले साल में दिक्कत थी वैसे और समय पूरा पूरा जाएगा ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताओ जो इंटरेस्ट है यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या आएगी एक इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू याद है कुछ इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू वो चीजें बनेंगी इसमें देना नहीं है हाँ देना देना एज एन एक्रू हो गया बट देना नहीं है ठीक है तो इसमें नहीं नहीं इंटरेस्ट सस्पेंस नहीं भूल गया इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू अभी भी समझाया था पूरा एग्जाम्पल लेके तो इसमें वो अकाउंट्स बनेंगे। अच्छा एक काम करना इसमें ना होमवर्क लिखो इसमें होमवर्क ना दो दो तरीके चेक करूंगा मैं एक तो आप नॉर्मल 7 जैसे करके आओगे एक ईयर एंडिंग 31 दिसंबर से करके आओगे ठीक है ये बस हिंट दे दिया मैंने इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू वाला पॉइंट आएगा इसमें तो वो आप मैनेज करना वी विल चेक एंड वी विल सी के क्या किया आप लोगों ने ठीक है। और जब भी नेक्स्ट क्लास होगी ना सो आई विल ट्राई कि थोड़ा सा 10 15 मिनट पहले मैं ये चेक करके आपको क्वेश्चन फिर ट्राई फिर स्टार्ट करेंगे हम क्लास ठीक है। क्वेश्चन 7 हो जाएगा तो होमवर्क कौन कौन से हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये देख लेना सिंपल है हायर परचेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं फीचर्स क्या होते हैं क्लास नोट्स में साफ साफ मेंशन है हायर परचेस ट्रांजेक्शन भी क्या होते हैं और हायर परचेस की ट्रांजेक्शन की फीचर्स क्या होते हैं एंड डिफरेंस बिटवीन हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट ये भी मैंने आंसर दिया हुआ है आपको नोट्स में आपके अभी मैंने करवाया नहीं है जब इंस्टॉलमेंट हम करेंगे तो मैं करवाऊंगा आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8 में आता हूँ मैं एक सेकेंड अभी किया है जो हाँ जी बताओ हाँ अच्छा ये डाउट है क्या चल आ जा। हाँ जी इसका डाउट है ये बोलता है ये डेप्रिसिएशन के रेट ना पहले तो वो 20% चार्ज करता है ठीक है 20% चार्ज करता है कौन हायर परचेजर फिर हायर वेंडर उसे 30% के लिए बोल रहा है ठीक है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 30% उसे हायर डेप्रिसिएशन 30% के लिए कौन बोल रहा है हायर वेंडर बोल रहा है टू हायर परचेजर। अच्छा अब यहां समझते हैं क्या है ये देख भाई जो ये है ना दिस इज योर डेप्रिसिएशन रेट नॉर्मल जो जिसकी जिसके अकॉर्डिंग मैं बुक्स में एंट्री करूंगा डेप्रिसिएशन की दिस इज नॉट अ डेप्रिसिएशन बट दिस इज अ मैकेनिज्म टू कैलकुलेट योर म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू दिस इज जस्ट अ मैकेनिज्म दिस इज जस्ट अ मैकेनिज्म मतलब क्या मतलब समझे अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन की एंट्री जो हो रही है ना मेरी सारी 20% के हिसाब से हो रही है इनफैक्ट मैंने जब रिपोजिशन भी किया हुआ है ना मैंने 30% के हिसाब से कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं पास की हुई मैंने अपनी बुक्स में अगर ध्यान से देखेगा तो मैंने कोई भी डेप्रिसिएशन की 30% एंट्री पास नहीं की हुई ये सिर्फ एक मैकेनिज्म है। एग्जाम्पल देते हैं मान लो तू हम दोनों हायर परचेजर हायर वेंडर का रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच में तो
तो तूने मुझसे कार ली, कल हमारी मर्सिडीज पे बात हो रही थी, ठीक है, मर्सिडीज पे क्या बात हो रही थी कि मैंने तुझे मर्सिडीज दी, राइट। अब तू अपने बुक्स में 20% डेप्रिसिएशन लगाता है, लेकिन जब रिपोजेशन की बारी आई ना, मैंने उसकी वैल्यू बढ़ा दी थी, तुझे याद हो तो, मैंने बढ़ा दी थी, मैंने बोला तू 20% लगाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन 10% होना चाहिए, या फिर मेरे अकॉर्डिंग 30% होना चाहिए। मतलब मैं तेरे को एक वैल्यू ना देके ना, एग्जैक्ट वैल्यू, मैंने तेरे को एक मैकेनिज्म दे दिया कि देख ऐसे वैल्यू कैलकुलेट कर ले, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये मैकेनिज्म दिया हुआ है कि तू 30% के हिसाब से, मैं बोल रहा हूँ जैसे मान लो ये बंदा था, इसने मिल्क वैन पे 20% डेप्रिसिएशन लगा रहा था, ये तू बोलता है नहीं, तूने गाड़ी ना बड़ी रफ यूज की हुई है, और रफ यूज करने के चक्कर में तू 30% डेप्रिसिएशन लगा इसके ऊपर, मैं उसी वैल्यू पे एसेट लूंगा। इट्स अ मैकेनिज्म टू कैलकुलेट अ म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू, इससे फिक्स नंबर, एक नंबर आ जाएगा आपका, उस नंबर के बेसिस पे आप रिपोजिशन करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल रहा वो उसको, तू नहीं तू डेप्रिसिएशन इस पे लगा, वो सिंपल बोल रहा है कि इट्स अ मैकेनिज्म। हाँ, बुक्स में 20% पे हो रही है हर साल, ये तो सिर्फ म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू निकल रही है 30% से, वर्किंग नोट 1 में निकाली थी ना हमने म्यूचुअल एग्रीड वैल्यू, तो वो निकालने के लिए हम 30% हायर परचेजर को गेन कैसे हुआ, लॉस हुआ है भाई, वो तो एक तरह से सेल वैल्यू समझ ले, 73,500 निकल के आया था ना, वो सेल वैल्यू थी एक तरह से, अगर डेप्रिसिएशन 20% होता तो वो सेल वैल्यू ज्यादा आती तो उसको तो फायदा होता, और ये तो उसको 22,500 का नुकसान हुआ है एसेट बेचने पे, देखना। अरे तो मैंने चल इरेज कर दिया अपने बुक में, देख 73,500 पे उसने एसेट दिया दो दो, जबकि उसकी बुक वैल्यू क्या थी, 96,000 भाई, एक की 48 थी, दो की कितनी, 96,000 वैल्यू को, वैल्यू की एसेट को उसने 73,500 में बेचा है, मतलब उसको हायर वेंडर को वापस किया है उसने। तो अगर वो 20% से डेप्रिसिएशन लगाते रखता वो, तो उसको लॉस ना होता, वो 96 की 96 पे देता, और अगर 10% होता मान लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हायर वेंडर बोलता कि नहीं तो 10% मान ले तो उसे प्रॉफिट होता, तो उसकी जो ये जो वैल्यू निकल के आती है ना म्यूचुअल एग्रीड वैल्यू, ये मान लो 1,10,000 रुपये निकल के आती, तो उसको 14,000 का गेन होता, ठीक है। तो बस एक मैकेनिज्म है ये, ऐसा नहीं है डेप्रिसिएशन रेट है ये, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ फिक्स्ड वैल्यू उसने बता दिया कि तू ऐसे कैलकुलेट कर ले वो वैल्यू बस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, आज इस चैप्टर की ना मेन 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 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, बस इसमें छोटी छोटी चीजें बचेंगी, इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, इंस्टॉलमेंट इज बहुत छोटा सा टॉपिक है वो, मतलब हाफ एन आवर का टॉपिक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, अ फर्म एक्वायर्ड टू ट्रक्स अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट्स, डिटेल ऑफ विच वर एज फॉलोज। तो पहला ट्रक उसने बाय किया 1 अप्रैल 2001 को, कितने का, 14,000 रुपये का। सेकेंड ट्रक उसने बाय किया 1 अक्टूबर को, कितने का, 19,000 रुपये का, कैश प्राइस है 19,000 रुपये। बोथ एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट टू बी मेड इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 600 ईच फॉर ट्रैक्टर ए एंड 800 ईच फॉर ट्रैक्टर बी, मंथली इंस्टॉलमेंट है याद रखना। आगे आते हैं, कमेंसिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज, मतलब क्या बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2001 को परचेज किया है मान लो, तो 30 अप्रैल लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग, तो 30 अप्रैल से पहली पेमेंट स्टार्ट होगी, 30, 31, मतलब 30 दिन बाद पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट डेट ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज, लास्ट डे ऑफ द मंथ, जिस मंथ में परचेज किया उस लास्ट डे ऑफ दैट मंथ। ऑल इंस्टॉलमेंट बींग पेड ऑन ड्यू डेट्स, मतलब वो बोल रहा है जिस दिन को ड्यू होती है उस दिन को मैं पेमेंट कर देता हूँ। जैसे ये ऐसा क्यों बोल रहा है, कई बार टाइम लैग होता है, फॉर एग्जाम्पल ड्यू मान लो 30 अप्रैल को ही, बंदे ने 1 मई को पेमेंट करी, तो बोल रहे नहीं 30 को हो रही है तो 30 को ही पेमेंट करूंगा मैं। ऑन 30 जून 2002 ट्रैक्टर बी परचेज किस दिन किया था, ट्रैक्टर बी 1 अक्टूबर को, मतलब एक साल भी नहीं हुआ अभी तक, अक्टूबर से अगर मैं बात करूं कितने महीने हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 मंथ। तो बोल रहे 9 मंथ के बाद ना ये क्या हुआ है, ट्रैक्टर वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई इसमें। इन फुल सेटलमेंट ऑन 10 जुलाई 2002 एन इंश्योरेंस कंपनी पेड INR 15,000 अंडर अ कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी। अच्छा एक बात बताना, इंश्योरेंस कंपनी किसको पैसा देती है, हायर वेंडर को देगी या हायर परचेजर को देगी, हायर वेंडर को देगी, यस, ओनरशिप वेंडर के पास है। चल ठीक है, आगे आते हैं फिर देखते हैं, एनी, अच्छा आगे पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा और इस पर चर्चा करेंगे अपन। एनी बैलेंस ऑन द हायर परचेज कंपनीज अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस, देखना दोबारा देखना, एनी बैलेंस ऑन द हायर परचेज कंपनीज अकाउंट
इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स वर टू बी रिटर्न ऑफ, क्या बोल रही है? एनी बैलेंस ऑन द हायर परचेज कंपनीज अकाउंट, हायर परचेज कंपनीज अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स वर टू बी रिटर्न ऑफ, हायर परचेज को मिला है। अब देखते हैं कैसे। कार खरीदी है लोन पे, बाइक खरीदी हो, कार खरीदी हो, कुछ भी, फ्रिज खरीदा हो, कार डैमेज हो गई, टूट गई, ओनर कौन है? बैंक। अच्छा, जो कार क्या होता है, कार जब भी तुम लोन पे लेते हो ना, तो कार की एक आरसी होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो बैंक के नाम पे होता है, पता है तुम्हें? सब्सटेंस ओवर फॉर्म की वजह से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको अपनी बुक्स में। आरसी किसके नाम पे होती है? बैंक के नाम पे। लेकिन जब मैं पर इंश्योरेंस कंपनी से मेरी टूट फूट होती है जब मेरी, तो क्या मैं बैंक को बोलता हूँ कि भाई इंश्योरेंस कंपनी का पैसा तेरे अकाउंट में आएगा, तू मुझे रिमबर्स करियो, या फिर डायरेक्टली जाता हूँ इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है? बट कैशलेस होता है सिंपल, वो परचेज, या फिर मेरी कल कल को गाड़ी चोरी हो गई, मान लो टच वुड ना हो, ठीक है, चोरी हो गई और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा, तो वो मुझे आएगा, बैंक को आएगा, मैं फिर बैंक को लोन की रिपेमेंट करूंगा। हायर वेंडर को जब तक पैसे मिलते चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हायर परचेस ट्रांजेक्शन एक एसेंस में अगर देखा जाए, ट्रांजेक्शन ये ना एक सिस्टम है कि मैं इंस्टॉलमेंट दे देके एसेट को खरीद लूंगा, तो कल को मेरी ऐसे टूटती फूटती कुछ भी है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लूंगा, उसको जब तक उसकी, अब समझना बात को, जब तक मैं उसको इंस्टॉलमेंट उसकी नहीं रोक रहा ना, मैं उसको फर्क नहीं पड़ता एसेट के साथ कुछ भी हो, ठीक है, अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं, और बाकी एंगल नहीं डाल रहा मैं इसमें, अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से जब तक उसको इंस्टॉलमेंट मिल रहा है, वो मेरे पास कभी आएगा भी नहीं एसेट को लेने, वो तो जला तोड़ फोड़ मुझे इंस्टॉलमेंट टाइम पे देता रहे। क्या एसेट जल गया, फिर उस केस में फिर स्यू करेगा प्राइस के लिए, कॉम्पनसेशन, ऐसा नहीं तुम भाग सकते हो यार ऐसे तो, मतलब देर आर, हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं इसमें से अकाउंटिंग एंगल से बात कर रहा हूँ, मैं इसमें ना उससे एंगल से बात ही नहीं कर रहा, लीगल एंगल से, तो लीगल एंगल में हम और भी चले जाएंगे, डीप में जा सकते हैं अभी तो। तुम अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए हो, तुमने जो मतलब पहले सी ए फाउंडेशन जो लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, सी ए फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, राइट, तो हमारे पहले बी कॉम में होता था, तो आई रिमेम्बर हमारी मैम होती थी किनरी जैन मैम थी, तो एस आर सी सी में जब मैं था कॉलेज में, तो शी वॉज लाइक द बेस्ट टीचर ऑफ लॉ, मतलब इन टर्म्स ऑफ उसको, वो उनका ना एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत स्ट्रांग था, मतलब बाकी तो आई डोंट पता नहीं, मतलब मैं पढ़ा ही नहीं उनसे, बट दैट वन सब्जेक्ट क्लास में बात होती थी, हाइपोथेटिकल बातें कि मैम ऐसे हो गया तो इंडियन को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है, चीज़ों को इतने घुमा फिरा लो, तोड़ लो, मोड़ लो, जैसे उन्होंने वाला मान लो प्राइस के लिए स्यू कर दिया, सर वो भाग गया तो क्या होगा, मतलब हो सकती है ना बहुत चीज़ें, मतलब एंगल से कि कल को मैं एक बंद जैसे मान लो पेंटिंग खरीद के लाया, उस पेंटिंग पे ना मैं एम एफ हुसैन को पैसा दे आया, एम एफ हुसैन से पेंटिंग खरीदी, पता चला वो एम एफ हुसैन की पेंटिंग थी नहीं, तो क्या होगा, तो ये फ्रॉड होगा या कोर्शन होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, नेग्लिजेंस होगा, मतलब इतनी चीज़ें वो लीगल एंगल से हम इतना घूम सकते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो मैं लीगल एंगल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल एक उसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ट्रांजेक्शंस की। हाँ जी, क्या वो ही बता रहा हूँ यार, वो उनकी क्लास में पूरा चीज़ें यही चलती थी, एंड शी वॉज वेरी गुड इन दैट, मतलब वो हर क्वेश्चन आंसर करती थी, एंड शी वॉज लाइक कि वो क्लास को बुकिश तो था ही, बट बुकिश के अलावा भी ना बहुत ज्यादा ऊपर तक जाती थी बातें, ये कोर्ट में डिसाइड, ये कोर्ट में क्या डिसाइड हुआ, इस ऐसा होगा तो क्या डिसाइड होगा, सो मतलब ऐसी लीगल डिस्कशन बहुत लंबी लंबी चलती थी, तो मतलब हमारी आधे घंटे या फिर 45 मिनट की क्लास जो होती थी, मतलब वो स्ट्रेस उड़ाती थी, 1 घंटा 1.5 घंटा, और ऐसा मजा आ रहा था कि हाँ भाई सबको लगता था भाई हम ही क्रिमिनल है, हमारा क्रिमिनल माइंड है, तो दैट वॉज गुड कि बंदे से थे पैसे, अकाउंट में पैसे आ गए, मान लो तूने गलती से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, सो विल आई बी लाइबल टू पे यू बैक, यस आई एम लाइबल टू पे यू बैक, अगर तूने गलती से ट्रांसफर किया है मेरे अकाउंट में, बिकॉज आई कैन नॉट इन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ समवन एल्स हार्डवर्क, तो ये भी लीगल केसेस थे, इसके ऊपर बात थी। हाँ ऑब्वियसली वो तो है ही कि बेवजह वो प्रूव करना ही पड़ेगा, बट अब प्रूव हो गया तुझे देना पड़ेगा वापस, मतलब मुझे तुझे वापस देना पड़ेगा या तुझे मुझे वापस। अच्छा अभी तुमने ट्रांसफर भी नहीं किया मुझे, तुम दोनों ने, कोई बात नहीं चलो। हाँ जी, तो बोलता है कि ट्रैक्टर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, यहाँ तक थर्ड मई वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, फर्म प्रिपेयर अकाउंट्स एनुअली 31 दिसंबर तक अकाउंट बनते हैं मेरे, एंड प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द रेट ऑफ 20% पर एनम,
राउंडेड अप टू द नियरेस्ट 10 रुपीज, कोई फर्क नहीं पड़ता है. पोर्शन एज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड अप टू द डेट ऑफ, अच्छा यहाँ पे राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 रुपीज है यहाँ पे. तो यहाँ आपको मान लो, अगर मान लो आंसर आता है आपका 10,003 रुपये, तो आप क्या करोगे 10,000, और 10,007 रुपये आता है तो 10,010 रुपये. ठीक है, तो ये कर देना बस. ओके, अपोर्शन एज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल. ये तो पता ही है हमें, अपोर्शन बेसिस पे करते हैं हम तो. डेप्रिसिएशन, अगर साल में 3 महीने फॉल कर रहे हैं तो 3 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, थोड़ा ना पूरा कर लगाएंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द फॉलोइंग अकाउंट्स कैरिंग डाउन द बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2001 को एंड 31 दिसंबर 2002 को. ठीक है, 2 साल के अकाउंट बनाने हैं आपको, 31 दिसंबर 2001 का एंड 2 का. सिंपल है, कर सकते हो ट्राई. आपको अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं? ट्रैक्टर्स ऑन हायर परचेज, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रैक्टर्स एंड डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर्स, 3 अकाउंट बनाने हैं. ठीक है, कर लाओगे? नहीं, भी करना है ये वाला. हाँ जी, अब मुझे आपको इसमें एडिशनली क्या करना है वो सुन लो. जर्नल एंट्रीज और करनी है. अभी और सुन लो, सुनो सुनो, जर्नल एंट्रीज करनी है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड. इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज पास करनी है आप लोगों को. अगेन मैंने ये भी सिखाया था, कैश प्राइस हो, इंटरेस्ट सस्पेंस हो, आंसर अलग नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा. पीएनएल में सेम अमाउंट जाएगा, और जो आपका एसेट अकाउंट होगा वो भी बुक वैल्यू भी सेम रहेगी आपकी. ठीक है, मैंने दिखाया भी था करके, ये आंसर अलग नहीं आएगा. बस आई वॉन्ट टू सी कि आप कैसे करोगे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड. एक प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं अभी वो भी सॉर्ट कर देता हूँ इसमें आपको. हमने रीपोजिशन अभी इंटरेस्ट सस्पेंस के अकॉर्डिंग नहीं किया हुआ, तो वो भी कर लेते हैं. हाँ जी, पहले मैं कर रहा हूं कंप्लीट रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड. पहली चीज, हायर परचेजर की बुक्स में एंट्री बता रहा हूं पहले मैं. तो बोल रहा है हायर वेंडर को लाइबिलिटी को कम कर दी मैंने, सबसे पहले लाइबिलिटी कम की. दूसरी चीज क्या की, एसेट कम की अपनी, एसेट को कम कर दिया और लाइबिलिटी कम कर दी. अब प्रॉब्लम क्या था, हायर जो इंटरेस्ट सस्पेंस था मेरी बुक्स में एसेट फॉर्म में आ रहा था, मैं उसको क्या करता था, अपनी लाइबिलिटी में से कम करता था. भाई याद है डिस्क्लोजर क्या क्या कर. हाँ जी, एक सेकंड देखें, ये देखो, हायर वेंडर करता था माइनस बैलेंस इन इंटरेस्ट सस्पेंस डालता करता था, माइनस करता था. तो मैंने ये भी बताया था कि कोई आइटम अगर लाइबिलिटी में से माइनस हो रही है तो वो एसेट साइड पे शो हो रही होगी, तभी तो माइनस हो रही है वहां से. तो वही चीज मैं कहता रहा हूं कि अब इंटरेस्ट सस्पेंस को भी खत्म करना पड़ेगा मुझे. सब चीजें खत्म होगी ना उसके रिस्पेक्ट में, जब रिपोजिशन हो गया, कंप्लीट रिपोजिशन हो गया है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस में जितना बैलेंस पड़ा होगा वो क्रेडिट कर दूंगा मैं. पहले डेबिट था, अब क्रेडिट हो जाएगा. एसेट अकाउंट में यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, WDV या मतलब बुक वैल्यू ऑफ द एसेट आ जाएगी. तो मेरा एसेट खत्म हो गया क्योंकि कंप्लीट रिपोजिशन का क्वेश्चन है. इंटरेस्ट सस्पेंस खत्म हो गया और हायर वेंडर भी खत्म हो गया. पूरी की पूरी लाइबिलिटी खत्म करनी है मुझे आज ही उसकी, क्योंकि ये कंप्लीट रीपोजिशन का क्वेश्चन है. जो बैलेंस बचा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, समझ में आया क्या हुआ? ये पूरी लाइबिलिटी खत्म, सारा का सारा एसेट खत्म, और सारा का सारा इंटरेस्ट सस्पेंस खत्म. एसेट का और इंटरेस्ट सस्पेंस का बैलेंस डेबिट होता है तो क्रेडिट कर दिया, हायर वेंडर का बैलेंस क्रेडिट होता है तो डेबिट कर दिया, और मेरा सब कुछ मैंने खत्म कर दिया अपनी बुक से, सब कुछ उड़ा दिया. लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लोगे आप लोग. ठीक है, लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो वो आप निकाल लोगे. हाँ जी, अब आ जाते हैं पार्शियल रिपोजिशन के केस में. पार्शियल रिपोजिशन हायर परचेजर, तो यहां क्या करना है, अच्छा एक चीज म्यूचुअली, हाँ ठीक है. हाँ जी, पार्शियल रिपोजिशन के केस में क्या करेंगे हम लोग, बताना एक बार मुझे. पार्शियल रिपोजिशन हो रही है तो उस केस में एंट्री क्या पास करूंगा मैं एंट्री बनवाना चाह रहा हूँ आप लोगों से. सबसे पहले हायर वेंडर टू एसेट, नहीं, अभी रुक जा. इंटरेस्ट सस्पेंस कहाँ गया? इंटरेस्ट सस्पेंस भी तो पड़ा होगा बुक्स में, तो टू इंटरेस्ट सस्पेंस, क्योंकि वो डेबिट होगा ना तो क्रेडिट भी तो होगा वो.
ठीक है, हायर वेंडर। पहली बात तो दिस इज द केस ऑफ पार्शियल रिपोजेशन। पार्शियल रिपोजेशन क्या होता है कि कुछ पोर्शन ऑफ एसेट का रिपोजेस कर लिया है, और कंप्लीट रिपोजेशन क्या होता है, सारे के सारे एसेट रिपोजेस कर लिए हैं। तो कंप्लीट में तो हम नॉर्मल करते थे, जितना भी इसमें पैसा पड़ा हुआ डाल दिया, जितना एसेट में पड़ा हुआ पैसा वो डाल दिया, जितना यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ वो डाल दिया, और फिर बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल देते थे, प्रॉफिट या लॉस। इस क्वेश्चन में अब समझना, एंट्री सेम होगी। हाँ जी मोहित, एंट्री सेम होगी, अमाउंट का फर्क होगा बस, एंट्री एग्जैक्टली सेम है। तो ये जो हायर वेंडर होगा ना, यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू, क्योंकि लाइब्रेरी कितने से खत्म हो रही है, जितने से एग्री कर रहे हैं, म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू से लाइब्रेरी खत्म हो रही है मेरी, ठीक है। एसेट अकाउंट में कितने से खत्म होगी, बुक वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस्ड। जैसे तीन ट्रक उठाए थे, उस तीन ट्रक में से दो ट्रक उठाए थे, या फिर दो तीन मिल्क वैन में से दो मिल्क वैन उठाई थी, तो यहाँ पे मैंने कितना डाला था, यहाँ पे 48 एक की बुक वैल्यू निकल के आई थी, मैंने दो डाल 96 डाल दिया था, यही किया था मैंने उसमें 96। इंटरेस्ट सस्पेंस में कितना डालूं, प्रोपोर्शनेट, दो के रेशो में, क्योंकि जो इंटरेस्ट पड़ा होगा ये तीन एसेट के रिस्पेक्ट में पड़ा होगा, तो मैं यहां पे कितना कर दूंगा, मान लो तीन में से दो एसेट रिपोजेस हुई हैं, तो 2/3। सब कुछ वही सम सेम चीज है, ये गलत नहीं किया, बस यहां पे म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू आ गया। यहां पे जो इंटरेस्ट सस्पेंस में 2/3 इंटू इंटरेस्ट सस्पेंस का जो बैलेंस पड़ा होगा वो। अब तुम्हें ना एक चीज और ध्यान देनी है यहाँ पे, चलो अभी नहीं, अभी उस पर बात नहीं करेंगे वरना और फिर कंफ्यूजन होगी। हाँ, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स रिपोजेस्ड, और जो भी आएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा। कोई डाउट यहां तक, चलिए क्वेश्चन पे अपने वापस। दिस इज द केस ऑफ पार्शियल रिपोजेशन एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएंगी आप लोगों की, इसकी जर्नल एंट्री हो जाएंगी। क्षितिज कर लेगा जर्नल एंट्री, चेक करूंगा सारा कुछ, क्योंकि मैं नेक्स्ट साल स्टार्ट नहीं करने वाला, जर्नल एंट्री मुझे मिलेंगी नहीं, ये जर्नल एंट्री मुझे देखनी है आपकी नेक्स्ट क्लास में। आप ट्रैक्टर्स ऑन हायर परचेज अकाउंट बना रहा हूं मैं, सारे अकाउंट साथ ही बना रहा हूं मैं, सब कुछ ना, ट्रैक्टर्स ट्रैक्टर्स अकाउंट। अच्छा, इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर्स है ये एक। अब इसमें कुछ याद है कैसे, जब अकाउंट ये वाला बनता था तो क्या करते थे हम? हाँ जी, अच्छा, इसको इस अकाउंट का दूसरा नाम भी है, कोई बता सकता है मुझे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो याद है जब वो बनाते तो क्या करते थे, क्या करते थे? हाँ जी, डेप्रिसिएशन इसमें डालते थे, और यहाँ पे बुक वैल्यू से एंट्री करते थे सारी की सारी ट्रैक्टर्स अकाउंट में, बुक वैल्यू से, सॉरी कॉस्ट कॉस्ट प्राइस से, जो भी कॉस्ट से होती थी। अब देखते हैं कैसे करना है हमें। पहला ट्रैक्टर्स अकाउंट है, किस बंदे से खरीदा है मैंने, नाम लिखा है नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। तो पहला टू हायर वेंडर से कर दूं एंट्री, डेट 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2001, टू हायर वेंडर। पहला ट्रक खरीदा, कैश प्राइस 14,000 रुपये। फिर दूसरा ट्रक कब खरीदा, 1 अक्टूबर 2001 को, टू हायर वेंडर, 19,000 रुपये। अकाउंट्स दिसंबर में क्लोज हो रहे हैं, तो 31 दिसंबर 2001 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना लिखूं? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन याद रखना यहां नहीं आएगा, यहां पे 19 और 14 ऐड करूंगा मैं, 33। क्षितिज क्लियर है ये? डेप्रिसिएशन यहां पे नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा। क्या? हाँ जी, आप बताओ यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे डालूँ, और कैसे कैसे करना है डेप्रिसिएशन का काम? टू डेप्रिसिएशन बाय पीएनएल अकाउंट, और टू बैलेंस
सॉरी कैरेट डाउन। हाँ जी सही करा, गलत किया मैंने? मोहित, मोहित सही किया गलत किया है? अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, समझाएगा मुझे क्या? हाँ हाँ सही बोल रही है, टोटल वैल्यू सीडी में टोटल वैल्यू निकलते आएगी तुम्हारी। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट में ये जहाँ पे जो मान लो एक पीएनएल में आंसर निकालता हूँ मैं, तो मेरी एक एसेट पे 14,000 है, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 20% स्ट्रेट लाइन बेसिस, 20% स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 20% है, तो 14,000 इंटू 20% इंटू 9/12, और एक पे 19,000 इंटू 20% इंटू 3/12, टोटल बताना मुझे एक बार। 2800 इसका, इक्कीस सौ पूरा? अच्छा ऊपर वाले का 2100, इसका 950, ठीक है ये आ गया मेरा टोटल डेप्रिसिएशन, हो गया मेरा 2100, 3050। तो ये मेरा टोटल डेप्रिसिएशन होगा, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 33,000 में से माइनस होगा और नेक्स्ट ईयर में ना इसमें ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन, और फिर वो टोटल अमाउंट मेरा टोटल एसेट में ये तो 33 में से माइनस होगा, तो यही तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। अच्छा ये मेरा कौन से डेट को होगा? 31/12/2001 को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3050। समझ में आया क्या हुआ? ये हायर वेंडर हो गया, एक्यूमुलेट कर रहा हूँ मैं, बस ये कर रहा हूँ हर साल। ट्रैक्टर्स अकाउंट बैलेंस क्रेडिट, अब नेक्स्ट ईयर, अब अच्छा रीपोजिशन किस डेट को ही है, सॉरी आग लगी है इसमें तो कहेगा, इसमें मेरे तो आग किस डेट को लगी है? 10 जुलाई 2002 को, एक सेटलमेंट हुआ है। चल ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी तो मतलब नेक्स्ट ईयर में लग गई, 2002 में ही खत्म कर दूँ ऐसे? 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा बस मैं? और कौन से ट्रैक्टर पे? ट्रैक्टर बी पे लगी है आग, ये भी देखना ध्यान से, ट्रैक्टर ए पे तो पूरे साल का लगेगा। ठीक है चले, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रैक्टर ए 14,000 इस पे, नहीं, इसका टोटल एक काम करते हैं, इसका तो मैं 2800 डायरेक्टली लिख दूं, ट्रैक्टर ए का 2800 रुपये भाई डेप्रिसिएशन लगा, क्या मैं पीएनएल में डाल रहा हूँ ना एक बार, बाय ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी पे डेप्रिसिएशन 6 महीने का, तो कितना होएगा भाई? उस पर तो पूरे साल का लगाया हुआ है, ध्यान से देख, 24,000, 14,000 इंटू 20% लगाया हुआ है, 14,000 इंटू 20% लगा हुआ है, 2800 तो होगा 6 महीने का ट्रैक्टर बी पे और ट्रैक्टर ए पे पूरे साल का, हाँ जी यहाँ तक हुआ। अब आ जाते हैं यहाँ पे 1/1/2002, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,000, एसेट को एलिमिनेट कर दूँ अपनी बुक से, खत्म करूंगा ना, तो याद रखना जब भी मैं ऐसे बना रहा हूँ कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग बना रहा हूँ और एसेट अकाउंट अलग बना रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे ना मैं बात करूँ तो मेरी बुक वैल्यू से मेरा एसेट खत्म हो जाएगा 19,000 से, तो 30/6/2002 को बाय, अब बाय में क्या करूँ यहाँ पे? डिस्पोजल, बाय डिस्पोजल, अकाउंट कितने से खत्म कर दूं? 19,000 रुपये से, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा मेरा यहाँ पे डायरेक्टली 14,000 रुपये, तो दिस शोज, सॉरी सीडी, तो दिस शोज कि मेरा 14,000 का एसेट बचा हुआ है,
और 19 का डिस्पोजल में आ गया, तो डिस्पोजल यहाँ पे आ जाएगा ये वाला अमाउंट डायरेक्टली टू ट्रैक्टर अकाउंट 19,000, प्रॉफिट या लॉस डिस्पोजल पे। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का यहाँ पे, बस मुझे एक चीज़ सोच समझनी है आप लोगों से। मैंने तुमने यहाँ से तो एलिमिनेट करवा दिया इसको, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से भी एलिमिनेट होगा नहीं होगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, वाई नॉट? हाँ जी क्षितिज, अच्छा तुम भूल गए क्या, मैं दोबारा एक बार एक चीज़ बताऊँ, तुम्हें याद है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पार्ट या दोबारा रिवाइज करवाऊँ कैसे होता था? सीए फाउंडेशन वाले अच्छा तो अभी करके आए हो तुम लोग तो, और डायरेक्ट एंट्री वाले बीकॉम में याद है कुछ, या दोबारा करवाऊँ रिवाइज एक बार करवा दें? चलो क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि याद होगा तुम्हें। हाँ जी एसेट अकाउंट आता था तो क्या यार, मुझे आई वॉज तो पता याद होगा, जब तुमने मैंने ब्लैंक फेस देखे ना तो मुझे लगा कि चलो बताना चाहिए। एसेट अकाउंट डेबिट है तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट आया मान लो 100 रुपीज़, मैंने एसेट परचेज करता गया, मैं तो एसेट 100 का परचेज किया, 200 का परचेज किया, 300 का परचेज किया, तो मेरे जो एसेट अकाउंट में जो पैसा दिखेगा ना वो दिखेगा 600, 300 है ये सॉरी 300, 200 और ये 600 रुपये, तो ये मेरे एसेट अकाउंट में दिखेगा, इट इज माय एसेट की ग्रॉस वैल्यू। अभी तक मैं क्या करता था, एसेट अकाउंट बनाता था उसी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट वैल्यू पे सारा काम करता था। अब ये बोलते हैं कि ग्रॉस वैल्यू से तो एक अकाउंट बनाओ और डेप्रिसिएशन के लिए अलग अकाउंट बनाओ, इसको बोलता हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मोस्टली कंपनीज ऐसे बनाती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिखाती है, यही करती है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करती है वो काम। यहाँ पे वो क्या करते हैं, हर साल P&L में पैसा डाल देते हैं कुछ भी मान लो XYZ इन एसेट्स के रिस्पेक्ट में, और उस पैसे को एक्यूमुलेट करती जाती हैं टू बैलेंस CD। पता नहीं यार तूने वो थोड़ा ध्यान ध्यान से देखियो, अब समझ में थोड़ा बेटर आएगा मे बी। तो बात तो वही है, मतलब वो तो कैसे भी कर ले, वो तो कैसे भी कर ले, बात वही है ना अल्टीमेटली। तो P&L अकाउंट की BD हो गया यहाँ पे, फिर और अगेन P&L में कुछ डाला अमाउंट, फिर यहाँ CD हो गया। तो तुम अगर देख रहे हो ध्यान से तो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है स्टेज बाय स्टेज। अब एक स्टेज क्या, एक टाइम पे क्या हुआ, मान लो एक एसेट मेरी बिकी, मान लो इस एसेट को मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, तो मुझे इसके रिस्पेक्ट में जितना भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होगा उसे भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी बुक्स फेयर वैल्यू दिखाएंगी। तो फिर जब मैंने इसको एलिमिनेट किया, इसके रिस्पेक्ट में सारा का सारा डेप्रिसिएशन भी एलिमिनेट किया, ठीक है, तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी, पहली एंट्री टू एसेट नीचे 200 रुपये, ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। मान लो इसके रिस्पेक्ट में अभी तक मैं 850 रुपये डाल चुका था, जितने में ये एसेट बिकी बैंक अकाउंट डेबिट मान लो 1,000 में, और 150 का नुकसान, नहीं 150 का नहीं एक्चुअली इसकी 200 ना, इसको ये एक एक जीरो कम कर लो, मैंने ना एक जीरो ज़्यादा लगा दिया है, तो ये 85 रुपये मान रहा हूँ, ये 100 और ये 15, 85, 15 और 100 ऐसे ऐसे था, 85 में टोटल डाल चुका था डेप्रिसिएशन में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 100 रुपये की एसेट बिकी और मेरे को 15 का नुकसान हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये एंट्री मैं पास करता हूँ, नॉर्मल एंट्री जो मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप एक थोड़ा सा काम ये भी कर सकते हो कि आप एक डिस्पोजल अकाउंट बना लो, इस पैसे को भी डिस्पोजल के डेबिट साइड में ले जाओ, इसको क्रेडिट साइड में ले जाओ, इसको भी क्रेडिट साइड में ले जाओ, जो बैलेंस आएगा यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस डाल दो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। काम वही हो रहा है, बस यही है कि अब जैसे चीज़ों को हमने सॉर्टेड वे में करना चाह रहे हैं तो हम वैसे कर सकते हैं डिस्पोजल अकाउंट बना के भी, अदरवाइज सारा का सारा काम यहाँ से भी हो सकता है एक एंट्री पास करके भी। समझ में आया?
तो ये याद रखना कि जब मैं पूरी की पूरी एसेट को अपनी बुक से हटाऊंगा तो दो काम होंगे। पहला काम तो मैं पूरी की पूरी मेरी कॉस्ट प्राइस एलिमिनेट होगी मेरी बुक से, और उसके रिस्पेक्ट में टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड टिल नाउ वो भी एलिमिनेट होगा। तो मैंने क्या किया, ये तो एलिमिनेट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, डिस्पोजल ऑफ ट्रक के नाम से, ट्रैक्टर सॉरी के नाम से, मैं कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है इस एसेट के रिस्पेक्ट में, क्षितिज इस एसेट के रिस्पेक्ट में कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है, 1900 और 950, 2850, 2850 यहाँ आ गया बाय इंश्योरेंस कंपनी 15,000 रुपये, और यहां पे मेरा बाय बैलेंस सीडी कितना बचा, करना एक बार कितना आएगा सीडी का आंसर, यहां पे ए, यहां पे 3,050 प्लस 1,900 प्लस 2,800 माइनस 2,850, 4,900, ये मेरा हो गया बैलेंस सीडी। और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 15 और 2 17, 850, 150, 1,150 आ रहा है, नहीं 2,150, 1,150 आ रहा है, 19,000, नहीं ठीक है, ये हो गया मेरा 19,000 रुपये का डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट। हो गई चीजें क्लियर? अब ये जो 4,900 रुपीज का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये मेरा 14,000 के रिस्पेक्ट में आ रहा है, 14,000 एसेट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक ही बची हुई है और इसके रिस्पेक्ट में 4,900 का डेप्रिसिएशन आ रहा है। कैलकुलेट करना है ना, तो कैलकुलेट कर लो अलग से, कैसे, 14,000 पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 9 प्लस 12, 21 महीनों का, कैसे कैसे, 1,4 को खरीदी थी, हाँ जी यहाँ देखो, 1,4 को खरीदी थी ट्रैक्टर है, उस साल का 9 महीने का डेप्रिसिएशन, अगले साल का 12 महीनों का डेप्रिसिएशन, तो देखो 9 महीनों का तो 2,100 रुपये और 12 महीनों का 2,800 रुपये, 2,800 प्लस 2,100, 4,900, ठीक है। तो ये जो डेप्रिसिएशन 49 का, ये एसेट ट्रैक्टर ए के रिस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन है बस ये, तो इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया हुआ है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये चीज इसकी जर्नल एंट्री करना एक बार अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करना है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के अकॉर्डिंग। मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें चेक करूंगा मैं, और चेक करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। और क्वेश्चन नंबर 10 भी होमवर्क में आराम से हो सकता है, चेक करो, हो सकता है बड़े कुछ में मुश्किल नहीं है। हाँ हाँ अभी करो, और कब करेगा, सोल्ड ऑन हायर परचेज है, कुछ लग रहा है पॉइंट मुश्किल, अच्छी बात है फिर तो, कैश प्राइस नहीं दिया हुआ, हाँ कैश प्राइस नहीं दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है, आराम से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो हाँ काफी टाइम है आप लोगों के पास, आपकी नेक्स्ट क्लास अभी है नहीं तो रख गया, काफी टाइम हो जाएगा अभी, तो आराम से करके आना, ठीक है गाइस।